हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज ये मौसम देख रहे हैं, रायगढ़ का पूरा बारिश हो रखा है। मतलब सुबह जब मैं उठी तो पूरा ऐसा गीला गीला मौसम था। और फिर जब मैं देख ही रही थी तो आसी मेरे को आवाज़ लगाई और वो उठ चुकी थी। तो आसी को मैं यहाँ उठाने आई थी और वो देख रही थी कि पता नहीं क्या सोच रही थी, वो आ ही नहीं रही थी। फिर बहुत बुलाने के बाद वो आई और उठ गई थी। तो अच्छा ही है, जल्दी उठ गई थी तो, क्योंकि काम भी था। फ्रेंड्स आसी भी उठ गई है। बेटू, तो आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज में पापा पापा। तो यहाँ पे मैं दूध पहले से गर्म कर रखी थी, तो उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल दी क्योंकि आसी उठ गई थी तो उसको नाश्ता चाहिए था। और यहाँ पे मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो गुड़ यूज़ करती हूँ बट कभी कभी हनी डाल देती हूँ। और हमारा चाय भी रेडी हो गया था। और आज सुबह मॉर्निंग में ना पानी बहुत गिर रहा था, तो मैं कपड़ा धोने के लिए दो बार उठी थी बट मौसम की वजह से मैं नहीं धोई। फिर बादल साफ़ हो गया, धूप निकल गया, तो सोची कपड़ा धो लेती हूँ क्योंकि कल नवरात्रि था। तो फिर मेरा काम बर्डन ज़्यादा पड़ जाता काम का, इसलिए मैं ये ना नहाने के बाद, मेरा सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं कपड़ा धोने के लिए यहाँ पर मशीन में डाल दी थी। और शाम को मार्केट जाना था थोड़ा पूजा का सामान लेने के लिए, तो इसलिए हम लोग मार्केट निकले थे। और ये फ्रूट्स के दुकान में भी रुक गए थे फ्रूट लेने के लिए। और यहाँ से ना दिया और चुनरी और पूजा का सामान सब लेना था, तो यहाँ से लेकर के हम घर चले गए थे। ये घर के पास का ही दुकान है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का क्लिप है। आज नवरात्रि, नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी घर का पूजा हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। सोच रहे हैं कोई मंदिर होकर आते हैं। और आशी उठ गई है, वो भी पूजा कर लिए साथ में, तो बस अभी निकलेंगे थोड़ा देर में क्योंकि बहुत देर हो गया पूजा करते हुए। मैं पूजा जो पूजा का जगह है उसको थोड़ा साफ़ कर रही थी और वो करते करते मेरे को पूरा 1.5 घंटा लग गया। फिर उसके बाद पूजा करते 1 घंटा लग गया। तो अभी बस निकलेंगे और मैं मंदिर से आकर ही कुछ खाऊंगी। तभी कुछ नाश्ता भी नहीं बना है, आसी के लिए मैं बना दूंगी क्योंकि उसको तो भूखा नहीं रख सकते। तो मिलते हैं। सभी रेडी हो गए हैं और ये मेरा साड़ी, मैं साड़ी पहन ली। तो बूढ़ी माँ मंदिर जाने का प्लान था कल से, बट ये बोले कि चंद्रपुर चलते हैं, अच्छा मज़ा भी आएगा। और आज बुधवार है ना, इसीलिए दुकान की छुट्टी है, तो बोले कि पूरा दिन घूम कर आ सकते हैं। तो फिर निकलते हैं, लेट बहुत हो गया है। हम लोग आधा रास्ता तय कर लिए और आशीष सो चुकी है। ये कहीं भी जाने से ना सो जाती है, अपना नींद पूरा कर लेती है। और ये हम लोग पुल पार कर रहे हैं। बस रुक जाओ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर जैसा सोचे थे वैसा तो भीड़ नहीं दिख रहा, अब अंदर जाके पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं और गाड़ी यहाँ खड़े कर दिए हैं, पार्किंग अच्छे जगह मिल गए। तो मिलते हैं आगे। देखने आए थे पर जला ही नहीं, दोपहर के बाद चलेगा बोल रहे। जो देखने जा रहे थे बट जला नहीं है। सुनो ना, वो प्रसाद बढ़ रहा है क्या? पूछो ना, नहीं तो फिर वो कूपन लेना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं, प्रसाद अगर मिल रहा है तो। भूख भी बहुत जोर लग गया, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कूपन लेने में भी टाइम लगता है ना, इसलिए। हम लोग ना ये गुफा में पहले एंटर किए क्योंकि हम लोग मंदिर इतने बार आए हैं बट यहाँ पे कभी गए नहीं थे, तो सोचे इस बार ही जाते हैं। और यहाँ पर ना अंदर जाते ही एक विष्णु जी का मूर्ति था और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी थी और जो भी देवी देवताओं को प्रिय जानवर थे उनका भी मूर्ति बनाया गया था और बहुत सारे देवी देवताओं का भी था। तो अच्छा भी लग रहा था और अंदर, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पूरा अंधेरा था और बहुत ही सकरा गली था। ये देख रहा, ये है राम दरबार बना हुआ है और ये पूरा गुफा जो है ना ऐसा पूरा अंधेरा अंधेरा है, उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा।
तो दोस्तों फिर मेरे को ये गुफा में सबसे प्यारा ये मंदिर लगा, जो कि बहुत ही क्लियर लग रहा था। और यहाँ पे ना कुछ लोग मगरमच्छ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। दर्शन हो गया और बहुत गर्मी है यहाँ पे, उतना भीड़ नहीं था, अच्छा हुआ। मैं सोची थी कि बहुत भीड़ होगा क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और उस वजह से बहुत भीड़ ना हो जाए, लेकिन शायद अब भीड़ होगा क्योंकि अभी ना कलश आया है तो अभी पूजा पाठ होगा। और ना यहाँ हम लोग सोचे थे यही खाना खा लेंगे, भोग चढ़ता है जो, बट ना आधा घंटा। फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ चुके हैं और मैं फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि आसी ना सो गई थी रास्ते में ही, तो मैं वीडियो और नहीं बना पाई। और नाश्ता करके आए थे बट खाना नहीं खाए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक का है, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।